तो चलिए आज बनाते हैं ये फुल्की वाला रायता। सबसे पहले यहाँ पर ले लिए हैं 3 चम्मच बेसन, उसमें ऐड कर देना है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, अजवाइन, बेकिंग सोडा, ज़ीरा पाउडर। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक इसके लम्प्स निकल ना जाए और ये स्मूथ सा पेस्ट ना बन जाए। अच्छे से इसका स्मूथ बैटर बन जाने के बाद पैन में ऑयल गर्म कर लेंगे और अब इन्हें फ्राई कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद अब इन्हें निकाल लेंगे साइड पर और बोल में ले लेंगे 2 पैक दही। विस्क करके उन्हें अच्छे से उनके लम्प्स निकाल लेंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच रेड चटनी और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, ज़ीरा पाउडर और 2 चम्मच बूरा। अच्छे से इन्हें मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और फिर से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अपने अकॉर्डिंग पानी। पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे अब फ्राई की हुई पकौड़ी और अब इसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर और 10 मिनट बाद ये बन के है तैयार। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।